Hey guys, this is Vishnu Solanki and you are watching Step Up Maths. सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर सीरीज 3 चैप्टर मैट्रिसेस की। सो अगर आपने लेक्चर सीरीज 1 और 2 अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो लेक्चर सीरीज 3 में हम क्या कवर करेंगे, तो एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन एंड उसका सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 3.3 में क्या कौन सा टॉपिक कवर होता है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये पूरा टॉपिक हमें यहाँ पे कवर करना है। तो ये पहले ये होता क्या है ये थोड़ा समझें। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, आई हैव मैट्रिक्स ए, ए आई जे उसको हम लिखते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए को लिखा जाता है ए डैश में। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फॉर्म होगा तो उसको मैं डैश के फॉर्म में लिखूंगा। जैसे कि बी होगा तो उसका बी डैश होगा, सी होगा तो उसका सी डैश होगा। तो ए का ए डैश हो रहा है। तो एक्चुअली ट्रांसपोज में होता क्या है, ध्यान से सुनना, रोस और कॉलम यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं। इसका मतलब कि m इंटू एन अब यहाँ हो जाएगा n इंटू एम हो जाएगा। अगर आपका मैट्रिक्स 2x3 है तो वहाँ पे वो 3x2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, थोड़ा एग्जांपल से समझे। मेरे पास ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोस 3 है एंड कॉलम 2 है, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2x3। यानी कि ये पूरी की पूरी जो कॉलम है वो वहाँ पर रो बन जाएगी, यहाँ पर ये दूसरी कॉलम है वहाँ पर वो दूसरी रो बन जाएगी। तो अब फाइनली यहाँ पर 3 रोस थी वहां पे 2 रो हो जाएंगी, और यहां पे 2 कॉलम था वहां पे 3 कॉलम हो जाएंगी। ठीक है? सो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो आपने समझ लिया। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। तो इसको थोड़ा देखें, ए डैश टू डैश। देखो कोई भी मैट्रिक्स का डैश मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स खुद ही होता है, यानी कि ए डैश डैश ए खुद ही होता है। ए प्लस बी द होल डैश होगा ए डैश प्लस बी डैश, के ए डैश वो होगा के ए डैश। क्यों? देखो के ए डी होल डैश है। अब मैंने इस डैश को के के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि के इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, के इज अ कॉन्स्टेंट नंबर एंड ए इज अ मैट्रिसेस, ए इज अ मैट्रिक्स सॉरी। सो के ऊपर हम डैश नहीं लगा सकते। ए बी डी होल डैश होता है बी डैश इंटू ए डैश। यहाँ पे आप बाय मिस्टेक ए डैश इंटू बी डैश नहीं लिख देना, क्योंकि बी डैश इंटू ए डैश और ए डैश इंटू बी डैश दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है? So, इतना आपने पढ़ा। अब आगे नाउ, अब हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे दो टॉपिक साथ में पढ़ना है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, अगर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है? देखो उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के एग्जैक्टली बराबर हो रहा है। एग्जाम्पल के साथ देखें, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। यस, तो इसके रोस को अगर मैं कॉलम बना दूं तो भी ये दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्टली यहाँ पे सेम दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू ए। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो देन वी कैन से दैट कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस बोथ मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये चीज़ क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म उस मैट्रिक्स के इनवर्स साइन के साथ इक्वल होता है, जैसे कि मेरे पास ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए, इसमें अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए, देखो इसमें और इसमें कंडीशन में थोड़ा फर्क देखो, यहाँ पे प्लस ए है यहाँ पे माइनस ए है। इसको एक एग्जांपल के साथ बी समझाया गया है। देखो मेरे पास ये बी है, अगर मैं इसका बी डैश यानी कि मैं ट्रांसपोज फाइंड करूँ तो क्या होगा, तो ये रो कॉलम बन जाएगी, सॉरी ये कॉलम रो बन जाएगी, वैसे सारी की सारी कॉलम्स को मैं रो बना दूंगा। तो अगर आप अभी नोट करोगे तो ये जो बी डैश है, जो बी के, अब देखो यह ज़ीरो है तो ये ज़ीरो है, ई माइनस ई, एफ माइनस एफ, ई माइनस ई, जी माइनस जी, तो मतलब अपोजिट साइन का एक मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट हो गया। तो मतलब बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हुआ। तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो नाउ अब दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे, वो अभी थोड़ा स्टडी करें। थ्योरम नंबर 1, सो क्या है थोड़ा देखें, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो स्क्वायर मैट्रिक है मतलब नंबर ऑफ रोस एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहेंगे, ए विथ अ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ये आपको यहां पे बताना है, प्रूव करके बताना है कि ए प्लस ए डैश
ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, और ए माइनस ए डैश ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मिलता है। तो किस तरह से दिखाएं, तो मैं यहाँ पे एक नंबर सपोज करता हूँ, चलो एक मैट्रिक्स का एक कोई भी एक मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूँ, बी मैंने सपोज किया है बी मैट्रिक्स। अब ए प्लस ए डैश यहाँ पे लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर बी इज इक्वल टू अगर बी डैश आ गया तो मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और अगर b इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू बी डैश आया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सो यहाँ पे देखें, देखो मेरे पास b है, अब मुझे b डैश अगर मैं फाइंड करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस ए डैश होगा, ठीक है। अब एज पर द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी डैश मुझे दोनों को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, डैश का डैश a हो जाएगा, ठीक है। सो b डैश इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा रिवर्स लिखूँ क्योंकि प्लस वाली साइन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ए प्लस ए डैस, ए प्लस ए डैस वो बी की भी वैल्यू है, ए प्लस ए डैस इट इज़ अ वैल्यू ऑफ बी, ए प्लस ए डैस वो बी की वैल्यू है। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, बी डैस इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस ए डैस से जो चीज़ मिलती है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स इससे मिलता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी, चलो इसको भी मैं बी ले लेता हूं, ए माइनस ए डैश, ओके। चलो अब इसको डैश करके देखें तो बी डैश होगा ए माइनस ए डैश द होल डैश, तो इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये होगा ए डैश माइनस डैश का डैश ए हो जाता है। तो ये आप देख रहे हो इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, तो ये माइनस बी होगा ना, क्योंकि इसको आप ऐसे रिवर्स फॉर्म में नहीं ले सकते, अगर आपको लिखना है तो आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा और ये आपको मिलेगा सिमेट्रिक। तो ये थ्योरम हमें ये बताता था। थ्योरम टू क्या कहता है, देखिए, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे मिलता है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो फाइनली हमें ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। ए लेट ए बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये है थ्योरम नंबर टू। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 3.3, सो बने रहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, किस तरह से करें। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइ 1/2 एन माइनस 1। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ये पूरी की पूरी कॉलम वो रो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फाइ 1/2 एन माइनस 1, ठीक है। अब देखो थर्ड देखते हैं, सेकंड का आंसर क्या होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। सेकंड का आंसर होगा 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। जो उसकी जो कॉलम थी उसको मैंने रो में कन्वर्ट कर दिए। फर्स्ट का थर्ड का आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा -1√3 2 5 5 3 and 6 6 -1, ठीक है। अगर ये तो पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इन दोनों में नंबर ऑफ रोस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज नहीं होगी, जबकि यहाँ पे एक सिंगल कॉलम है और तीन रो है, तो ये 3/1 मैट्रिक्स था, अब ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड, नाउ गोइंग टुवर्ड सेकंड। ओके, हमें यहाँ पे दो मैट्रिसेस हमारे पास ये अवेलेबल है, हमें क्या वेरीफाई करना है, ए प्लस बी द होल डैश यानी कि होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलो हमें ये वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो ए प्लस बी हमारे पास क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, ए प्लस बी इन दोनों का एडिशन, ये होगा अगर -5, ये होगा 6, देख रहे हो, ये होगा -1, 2+1 3, 7+2 9, दिस इज 4, दिस इज -2 9 एंड 2, ये a प्लस बी हो गया, ये a प्लस बी एक्चुअली हुआ। हमें a डैश प्लस b डैश ये मुझे मिला है यहाँ a प्लस बी। अब एडस यानी कि इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो -1 5 -2 2 7 1
391. तीनों कॉलम को मैंने रोज में कन्वर्ट कर दिया. सिमिलरली बी में -411, -123, -501. अब देखें, क्योंकि ये मेरे पास ए डैश है, ये बी डैश है. अब ए प्लस बी है, उसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या आता है, चलो तो ये जो कॉलम्स है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगी. -5, -6, -1, -3, -4, -2, -9, 2. ठीक है, चलो अब इन दोनों का एडिशन करें क्या आता है. इसका आएगा -5, 2+1, 3. दिस इज -2, 5+1, 6, 7+2, 9, 9+0, 9. इन दोनों का एडिशन होगा -1, दिस इज 4 एंड दिस इज 2. अब ये सिम हो गया इक्वल. ठीक है, सो यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुका है. अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके कर सकते हो. मेरे पास यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, इसलिए मैंने यहाँ इस तरह से सॉर्ट किया है. सो नाउ और एक वेरिफिकेशन है यहाँ पे, ये माइनस बी है. ठीक है, तो या ये आप खुद ही कर लेना. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं. सेकंड केस आप खुद ही कर लेना. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स थर्ड एग्जांपल. यहाँ पे मैं ए माइनस बी करवा देता हूँ, ए प्लस बी आप खुद ही करना. क्या है, ए माइनस बी द होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश. ठीक है, चलो सबसे पहले तो यहां पे हमें यहां पे एडेस में से ए निकालना है. तो एडेस में से ए कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास ए अवेलेबल नहीं है, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा. कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, 4, 2, 1. तो हमारे पास ए मिल गया. अब ए माइनस बी मतलब ए में से बी को माइनस करना है, तो 3-1, 2. दिस इज 4-1, 3. दिस इज -3, 0, -1 एंड -2. ओके, ए माइनस बी हमें मिल गया. तो सिमिलरली ए माइनस बी द होल डैश, यानी कि हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है. ये पूरा का पूरा जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी. तो फाइनली हमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये मिला. दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड. इसको मैं यहां पे लिख देता हूं 2, 3, -3, 0, -1, -2. अब हमें क्या करना था, a' - b'. ओके, a' - b'. सबसे पहले हमारे पास b' नहीं है अवेलेबल, तो b' क्या होता है, ये पूरा का पूरा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -1, 2 और 1, और ये भी, ये b' मिला. अब a' - b' करते हैं, इसके बराबर आना चाहिए, 3 और ये आएगा 4. माइनस करना है, देखो ओके, नाउ वी आर कंपेयरिंग दिस. यहां पे मिस्टेक आ रही है 2 में, 3+1 ये हो जाएगा 4. यहां पे मिस्टेक है, तो ये आप रिजोल्व कर लेना. ओके, सो नाउ दिस इज अवर फोर्थ एग्जांपल. वी आर फाइंडिंग ए प्लस 2b. हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस 2b द होल डैश. तो सबसे पहले ए प्लस 2b फाइंड करें हम यहां पे. a+2b, a हमारे पास है -2, 3, 1, 2, और 2b मतलब पूरे b को स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस इज -2, 2, 0 एंड 2, 2 ज़ा 4. इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, दिस इज 3, 4+2, 6. ओके, सो ये हमारा आया a+2b. अब इसका ट्रांसपोज क्या होता है, तो ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो कॉलम है ये भी रो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा. सो नाउ फिफ्थ एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट केस है, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें हमारे पास ए है बी है, तो हमें ये वेरीफाई करना है, ab' = b' * a'. एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, आपने देखा हुआ है, तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है. तो कैसे करें, सबसे पहले हमारे पास ए बी नहीं है, तो हम ए बी फाइंड करेंगे, मतलब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है.
तो हमें क्या यहाँ पे सिखा था मल्टीप्लिकेशन में कि सारी की सारी रो फर्स्ट कॉलम के साथ करना है हमें, यानी कि ये तीनों रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, अगेन तीनों रो सेकंड कॉलम के साथ, एंड अगेन तीनों रो थर्ड कॉलम के साथ। तो वन वन जा माइनस वन, दिस इज फोर वन जा फोर एंड थ्री वन जा थ्री। ओके, यहाँ पे क्या देखा हमने, ये तीनों को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ किया, अगेन इन तीनों को सेकंड कॉलम के साथ करूंगा, टू वन जा टू, फोर टू जा एट एंड थ्री टू जा सिक्स। सिमिलरली वन वन जा वन, फोर वन जा फोर, थ्री वन जा थ्री, ये मुझे ए बी मिला। सो नाउ ए बी डैश क्या होगा, एक्चुअली ये ए बी डी होल डैश है, तो ये जो कॉलम्स है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस वन फोर माइनस थ्री, टू माइनस एट सिक्स, वन माइनस फोर थ्री। ओके, ये हुआ ए बी डैश। ओके, सो नाउ बी डैश इंटू ए डैश भी करना है हमें, उसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए, बी डैश इंटू ए डैश। सबसे पहले बी डैश और ए डैश हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे होना चाहिए, तो बी डैश और ए डैश। ओके, बी डैश यानी कि ये पूरी की पूरी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, और ए डैश में पूरी जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, नाउ नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू ब्रैकेट्स, यानी कि बी डैश इंटू ए डैश। अगेन ये तीनों रोस एक सिंगल कॉलम के साथ मर्ज होने वाली है, वन वन जा माइनस वन, दिस इज टू वन जा टू, वन वन जा वन, अगेन फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर टू जा एट, ओके, एंड फोर वन जा फोर। सिमिलरली थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री। तो आप देख सकते हो जो इसका आंसर है वो एग्जैक्टली ये आंसर के सेम आ रहा है, ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं यस ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। सो नाउ सेकंड केस, एग्जांपल का सेकंड केस है, दिस इज अ केस सेकंड, सेम चीज ही करनी है। तो अगेन चलो मल्टीप्लाई करें ए बी को, तो क्या आता है, जीरो वन जा जीरो, वन वन जा वन, टू वन जा टू। सिमिलरली जीरो इंटू फाइव जीरो, फाइव वन जा फाइव एंड फाइव टू जा टेन, दिस इज जीरो, सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन। तो ये हमें ए बी मिला, तो ए बी डैश क्या होगा, तो मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें, जीरो वन टू सब रो कॉलम, सब कॉलम रो में कन्वर्ट कर दो, ठीक है चलो। तो ये ए बी डैश हो गया हमारे पास। सुनो बी डैश इंटू ए डैश फाइंड करने के लिए, बी डैश और ए डैश हम पहले फाइंड करें। बी डैश क्या होता है, तो ये पूरी की पूरी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ए डैश यानी कि ये पूरी रो पूरी कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो नाउ बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश फाइंड करते हैं यहाँ पे, ये जीरो होगा, फाइव इंटू जीरो जीरो, सेवन इंटू जीरो जीरो हो गया। अब ये वन वन ज़ा वन, फाइव वन ज़ा फाइव, सेवन वन ज़ा सेवन, वन वन ज़ा वन, फाइव टू ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन। सो नाउ आंसर एग्जैक्टली सेम है इन दोनों का, तो ये हमारा वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल होता है। एग्जाम्पल क्या कहता है, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो यहाँ पे कितनी रो है, दो रो एंड दो कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ए डैश इंटू ए हमें आई प्रूव करना है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलो यहाँ पे देखें ए डैश क्या होता है, ए डैश मतलब ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सिमिलरली ये होगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। नाउ वी हैव टू फाइंड ए डैश इंटू ए, ए डैश इंटू ए मुझे फाइंड करना है, मतलब इन दोनों को मुझे सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो कोस अल्फा ए डैश में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये रहेगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस, कोस अल्फा होता है कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, अब ये दोनों रोज को एक सिंगल कॉलम के साथ हमें यहाँ पे मर्ज करना है, कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस क्यों होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। सिमिलरली साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा, ओके कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा,
ठीक है चलो अगेन cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, cos अल्फा डॉट साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, ओके साइन अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, देन फाइनली अवर आंसर इज, हम यहाँ पे देखे, यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, अब देख रहे हो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो डायगनल एलिमेंट्स यहाँ के जीरो होगा और यहाँ पे वन आ जाएंगे क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा वन होता है। सो दिस इज अवर फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या कहता है? अच्छा सेकंड केस एग्जैक्टली सेम टू सेम है, तो ये आप खुद ही कर लेना। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स सेवंथ एग्जांपल। दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें यहाँ पे प्रूव करना है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, ए इज इक्वल टू ए डेस आना चाहिए, ठीक है? तो चलो इसको थोड़ा करें, ए डेस फाइंड करें इसका, तो क्या आता है? ये तीनों कॉलम्स रो में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, वन माइनस वन फाइव, माइनस वन टू वन, फाइव वन थ्री। ओके नाउ चेक इट, चेक करें, कुछ भी फर्क नहीं हुआ है हमें। तो यस हमें यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए डेस मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो नाउ नेक्स्ट केस, दूसरा केस क्या कहता है? शो दैट दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके चलो देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स अवेलेबल है यहाँ पे, जीरो माइनस वन वन, वन जीरो माइनस वन, माइनस वन वन जीरो। हमें इसको स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे प्रूव करना है, उसकी कंडीशन क्या है? तो ए इज माइनस ए इज इक्वल टू ए डेस। ओके सबसे पहले ए डेस फाइंड करें हम, ये इसकी कंडीशन है, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके जीरो माइनस वन वन जीरो, सॉरी वन जीरो माइनस वन, माइनस वन वन जीरो, ठीक है चलो। अब हम यह, मैं यहाँ पे मुझे ए डेस तो मिल गया है, मैं माइनस से फाइंड करता हूँ। माइनस से मतलब आपके पास जो ए है उसकी सब साइन चेंज कर दो, इसके साइन जीरो, इसकी साइन चेंज होगी तो ये हो जाएगा वन और माइनस वन, माइनस वन जीरो वन, वन माइनस वन जीरो। सुनो आप इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो दे बोथ आर एग्जैक्टली सेम, दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए डेस इज इक्वल टू माइनस ए, तो यस ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है? नाउ इट्स वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, तो हमें शो करना है कि ए प्लस ए डेस है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए डेस है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक्चुअली एक थ्योरम इसके बेसिस से हम कर ही चुके हैं, तो भी चलो यहाँ पे करें। ए डेस हम यहाँ पे फाइंड करते हैं क्या होता है, वन सिक्स फाइव सेवन हमारा होगा ए डेस। अब ए प्लस ए डेस मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, ए प्लस ए डेस मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, तो क्या आएगा? इन दोनों का एडिशन, टू इलेवन, इलेवन एंड फोर्टीन, ठीक है चलो ए प्लस ए डेस। अब यहाँ पे ए की जगह तो ए प्लस ए डेस है, तो ए प्लस ए डेस वो इक्वल होना चाहिए ए प्लस ए डेस द होल डेस, समझ रहे हो? मैंने यहाँ पे सिंपल ए की जगह ए प्लस ए डेस को रिप्लेस कर दिया है, ए प्लस ए डेस मेरे पास अवेलेबल है। अब ए प्लस ए डेस का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो क्या आएगा? ये जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो गई, ये भी रो में कन्वर्ट हो गई, तो आप देख सकती हो कि ये दोनों इक्वेशन सेम मिल रहे हैं मुझे। आप देख सकते हो ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे मुझे सेम मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यस ए प्लस ए डेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो नाउ ए माइनस ए डेस के देखें, चलो ए माइनस ए डेस का क्या डिफरेंस होगा? यहाँ पे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये माइनस होता है, ये आगे से माइनस होता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे है तो ये यहाँ पे माइनस होता है, तो ए माइनस ए डैश चलो फाइंड करें। इन दोनों का माइनस करें, वन माइनस वन जीरो, सिक्स माइनस फाइव वन, फाइव माइनस सिक्स माइनस वन और सेवन माइनस वन सेवन जीरो। अब मैं इसका अगर ए माइनस ए डैश का नेगेटिव पार्ट फाइंड कर रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएगी, ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, ये माइनस वन और ये वन हो जाएगा, साइन यहाँ पे चेंज हो गई। अब a माइनस ए डैस द होल डेस फाइंड करूँ अगर मैं, मतलब इसका ट्रांसपोज, तो ये जीरो वन है, ये इस तरह से सेट हो जाएंगे, तो आप देख सकती हो कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो यस a माइनस ए डैस वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे चलो देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमें ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे फाइंड करनी है। एक्चुअली हमने थ्योरम नंबर टू में पढ़ा था,
थ्योरम नंबर टू में हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आंसर ए मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो ए प्लस ए डैस फाइंड करें। तो पहले पास मेरे पास ए डैस अवेलेबल नहीं है तो वो मैं फाइंड कर लूँ। तो ये होगा जीरो माइनस ए माइनस बी, ए ज़ीरो माइनस सी एंड बी सी ज़ीरो। चलो ये मेरे पास ए डैस है। अब ए प्लस ए डैस में ए प्लस ए डैस और मैं ए माइनस ए डैस को मैं ऐड कर देता हूँ। चलो देखो यहाँ पे मैं एक्चुअली फाइंड ये दोनों चीज़ें करनी है, पर मैं चलो ये प्रूव करता हूँ, मैं ये प्रूव करता हूँ, थ्योरम टू में प्रूव कर देता हूँ। चलो देखे कैसा होता है। तो ए प्लस ए डैस क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पे ए लेना है तो यहाँ दोनों से दोनों को मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए प्लस ए डैस इन दोनों का एडिशन, जीरो प्लस जीरो जीरो, ये भी होगा जीरो, ये होगा टू बी, ये जीरो जीरो सी और ये भी होगा जीरो क्योंकि ऐड हो रहा है ना, माइनस सी प्लस सी जीरो, दिस इज ऑल्सो भी जीरो जीरो एंड जीरो। ओके यहाँ पे भी जीरो आ गया क्योंकि माइनस बी प्लस बी, ये भी जीरो हो जाएगा। चलो ये तो पूरा का पूरा हमें नल मैट्रिक्स मिला। अब ए माइनस ए डैस, ए माइनस ए डैस क्या मिल रहा है, ये होगा जीरो, इन दोनों का माइनस करेंगे तो आएगा माइनस टू ए माइनस टू बी माइनस टू ए, सॉरी इधर प्लस टू आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, जीरो माइनस टू सी, ये आएगा टू बी टू सी और ज़ीरो। ठीक है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई, तो एक्चुअली आपका आंसर यहीं पे आ जाता है क्योंकि इन सबको अगर मैं हाफ से कितने से भी मल्टीप्लाई करूं मुझे आंसर तो यहाँ पे ज़ीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, अब इन सबको टू से डिवाइड करूँगा तो ज़ीरो माइनस ए माइनस बी, ए ज़ीरो माइनस सी, बी सी ज़ीरो। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी यही मिलने वाला है, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही मिलने वाला है, मतलब एग्जैक्टली मेरे आंसर ये दोनों हुए, इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये एग्जैक्टली इसके सेम होता है। क्यों, एस पर थ्योरम, देख लो आप एस पर थ्योरम, क्योंकि ये थ्योरम हमने यहाँ पर प्रूव किया हुआ था, थ्योरम नंबर टू कि क्या था कि ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैस प्लस हाफ ए माइनस ए डैस, इन दोनों को ऐड करने से हमें वापस ए मैट्रिक्स मिलता है। तो यस मिल रहा है यहाँ पे हमें। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो मैं यहाँ पे ये चार एग्जांपल में से सिर्फ मैं एक ही एग्जांपल करवाने वाला हूँ ये, क्योंकि देखो बाकी टू बाय टू मैट्रिक्स है और ये थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स है, थ्री बाय थ्री के दो एग्जांपल है, टू बाय टू के दो एग्जांपल है, ये आप खुद ही कर लेना, इट इज़ वेरी इजी, अगर नहीं आता है तो मुझे डीएम कर दो यहाँ पे। अब क्या है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होता है ये, देखो यही कंडीशन है, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैस प्लस हाफ ए माइनस ए डैस, ये कंडीशन आपकी यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे ए डैस अवेलेबल नहीं है तो ले लेते हैं ये ए डैस, यहाँ पे क्या होता है, सिक्स माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन एंड टू माइनस वन थ्री। ओके चलो सुनाओ, सबसे पहले ए प्लस ए डैस फाइंड करें हम, ए प्लस ए डैस यहाँ पे हाफ रखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं a माइनस ए डैस। ठीक है, इन दोनों का एडिशन क्या होता है, 6 प्लस सिक्स ट्वेल्व, ये होगा 0, ये होगा 4, अगेन दिस इज 0, ओके इन दोनों का एडिशन होगा 4, ओके माइनस टू माइनस टू, इट विल ऑल्सो बी 4, दिस इज 6, दिस इज माइनस टू, 4 माइनस टू एंड 3 प्लस 3 6। ओके चलो ये हमें ए प्लस ए डैस मिल गया। अब ए माइनस ए डैस, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, ये जीरो ये जीरो जीरो, क्योंकि देखो माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा। ओके तो ये तो हमें पूरा का पूरा नल मैट्रिक्स मिल गया, तो इसको हम कंसिडर करना ही नहीं वाले हैं। तो फाइनली हमारा इसका आंसर क्या आएगा, तो ये ए के बराबर आने चाहिए, टू से सबको डिवाइड कर दो तो होता है सिक्स माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन थ्री। ओके तो ये हमें ए के बराबर मिलना चाहिए, तो जो आप चेक कर लो मिल ही रहा है। तो सारे के सारे एग्जाम्पल इस तरह से ही सोल्व करना है, आपके पास ए होगा ए डैस होगा, तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है यहाँ पे और बताना है
कि कोई भी एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के बराबर होता है, यानी कि थ्योरम नंबर 2। ओके, सो नाउ 11th वन क्या है ये, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देखो ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो हम कह सकते हैं देखो एज पर कंडीशन चले तो ए इज इक्वल टू ए डैश होता है एंड बी इज इक्वल टू बी डैश होता है। ठीक है, चलो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर बन सकता है। अब क्या फाइंड करना है, ए बी माइनस बी है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए किसके बराबर आता है। थोड़े यहाँ पे समझो, अगर हमारा ए बी माइनस बी ए ए बी माइनस बी ए के डैश के बराबर आया तो क्या होगा ये, तब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, पर अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिलता है। तो थोड़ा देखें, चलो हम इसका डैश ही फाइंड करते हैं डायरेक्टली। तो एज पर प्रॉपर्टी ये ऐसा हो सकता है कि ए बी डैश माइनस बी ए डैश, एज पर प्रॉपर्टी ऐसा हो सकता है क्योंकि ए माइनस बी द होल डैश होता है ए डैश माइनस बी डैश। ओके चलो, ए बी डैश को मैं लिख सकता हूँ बी डैश डॉट ए डैश, और ये होता है ए डैश डॉट बी डैश, होता है कि नहीं होता है। ठीक है चलो, ये भी एज पर प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखा। बी डैश किसके बराबर है, बी के बराबर। ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर। ठीक है, तो बी ए माइनस ए बी आया, तो इसको मैं ए बी माइनस बी ए लिख सकता हूँ आगे माइनस लगा के, तो इससे क्या समझ में आता है, इससे यही चीज समझ, एक मेरे पास एक कंडीशन है उसका डैश उसके नेगेटिव के बराबर है तो ये सिमेट्रिक होगा क्या, नहीं, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए इज अवर आंसर। सो नाउ 12th एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सीरीज क्या हुआ है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई हमें दिया हुआ है यहाँ पे, देखो क्या है, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, तो ए प्लस ए डैश, ए डैश मतलब इसका क्या होगा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, हमने इसका एडस फाइंड कर दिया, इज इक्वल टू हमें आई दिया हुआ है, तो आई होता है ये, आपको पता है दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, तो हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो इन दोनों को थोड़ा ऐड करें तो क्या होता है, पहले तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे, कोस अल्फा होता है टू कोस अल्फा, और ये होता है सिमिलरली टू कोस अल्फा, वो बराबर होगा 1100 के। ठीक है, ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, तो एग्जैक्टली हमें 2 कोस अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिली, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2, तो अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी π/3। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारी सीरीज कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड हैव अ गुड।